हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे हाथ में गूगल एडसेंस पिन है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे दूसरे चैनल का गूगल एडसेंस पिन है जो कि मिर्ची व्लॉग के नाम से है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 2016 में गूगल एडसेंस जो है इनवैलिड एक्टिविटीज़ की वजह से बंद हो चुका था, उसको मैंने उसी नाम से यहाँ पे रीस्टार्ट कराया है और उसके बाद से ये पिन आया है। पिन आने के बाद से मैंने आईडी वेरिफिकेशन किया, सारा चीज़ ओके हो गया, उसके बाद से मेरा मोनेटाइजेशन यानी कि गूगल एडसेंस में मेरा पेमेंट भी आना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर आपका भी गूगल एडसेंस इनवैलिड एक्टिविटीज़ की वजह से लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो चुका है, बंद हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जानना चाहते तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम कमाल फारूक है, टेक्निकल फारूक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नॉट फेक ओनली टेक। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक सबसे पहले चैनल था जो 2016 में मैंने क्रिएट किया था, 2016-17 में। उसके बाद से उस पर एक बार गूगल एडसेंस जो है एक महीने के लिए बंद हुआ, उसके बाद से लाइफ टाइम के लिए गूगल एडसेंस इनवैलिड एक्टिविटीज़ की वजह से बंद हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से मैंने टेक्निकल फारूक दूसरे ईमेल आईडी से दूसरा सारा चीज़ मैंने क्रिएट किया, उसके बाद से टेक्निकल फारूक यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद से मैंने एक तीसरा यूट्यूब चैनल बनाया जो मिर्ची व्लॉग करके है, व्लॉगिंग का चैनल है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों उस पर मैंने क्या किया कि सारा चीज़ यानी कि जिस ईमेल आईडी से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो पहले वाला ईमेल आईडी कुछ और था, लेकिन जब मैं नया मिर्ची व्लॉग बनाया तो उस पर ईमेल आईडी मैंने चेंज कर दिया। सारा चीज़ जो है, सारा क्राइटेरिया जो है, नए ईमेल आईडी से मैंने फुलफिल किया। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, सब चीज़ जो है नए ईमेल आईडी से क्रिएट किया। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं सोचा कि यहाँ पे मैं दूसरे तीसरे का बैंक डिटेल्स कैसे भरूँ, तो यहाँ पे मैं सोचा कि जो मेरा पहले वाला ईमेल आईडी था, यानी कि जो पहले वाला मेरा ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया है, तो उस पर एक बार भी मेरा पेमेंट नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, बैंक भी एक बार भी पेमेंट नहीं आया, तो मैं सोचा कि जब यहाँ पे एक बार भी पेमेंट नहीं आया है तो इसी नाम को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जी हाँ दोस्तों, वो मेरे नाम से था, तो मैंने मिर्ची व्लॉग में सारा डिटेल जो है अपने नाम कर दिया, कमाल फारूक के नाम कर दिया, और सारा डिटेल्स देने के बाद से यहाँ पे पिन आया। पिन आने के बाद से एक खुशखबरी आई कि जब मैंने पिन वेरिफिकेशन किया तो सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। उसके बाद से मेरा जो आधार कार्ड था वो भी मैंने डाला और वो भी सब ओके हो गया, सब चीज़ ओके हो गया, फुलफिल हो गया। उसके बाद से गूगल एडसेंस में हर महीने के 11 तारीख को पेमेंट भी आना शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केबल चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपका गूगल एडसेंस लाइफ टाइम के लिए बंद हो चुका है और आपका पेमेंट जो है एक बार भी अगर आपका पेमेंट बैंक में नहीं आया है, तो आप उसी नाम को आप नए किसी गूगल एडसेंस में यूज़ कर सकते हैं, नए किसी यूट्यूब चैनल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आया हो तो। लेकिन अगर पेमेंट आपका एक बार भी आ गया हो तो उस नाम को, उस डिटेल्स को आपको गूगल एडसेंस में यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो के लिए, नॉलेजेबल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, यूट्यूब और एडसेंस के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा।